जल लेकर के जाओ, चाहे पूजा का थाल लेके जाओ, वो आपका विषय है ना। समझ रहे हो ना, ये आपका विषय है, कैसे जाना है हमें कोई इससे लेना देना नहीं। आपने क्या करना है, वहां पहले प्रणाम करना है, भगवान से अनुमति लेनी है, प्रभु क्या हम आपके दरबार में आ सकते हैं। आपके घर में कोई आता है, एक व्यक्ति बैल बजा के आता है और एक व्यक्ति अनजान बिना बैल बजाए घर में घुस आए, सच बताओ आप क्या करोगे? फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या करोगे? चोर बोलोगे ना, मारोगे ना? नहीं मारोगे। आओ भाई साहब तुम आगे, बढ़िया है। नहीं, अगर बिना बैल बजाए बिना इन्फॉर्म किए कोई घर में हमारे अगर घुसता है तो चोर माना जाता है। तो हम तो भगवान के मंदिर में इन्फॉर्म करते ही नहीं है, तो हम कौन है? चोर ही मान लो। आप चोरी से घुसते हो, आज जब भी जाओगे अगर कहीं घंटी है तो घंटी बजाए और घंटी नहीं है तो ताली बजाए। दो मिनट आंख बंद करें, प्रभु से आज्ञा मिल गई, आप प्रवेश करें, दर्शन करें। दर्शन कैसे करना चाहिए, मंदिर कैसे जाएं, समझ में आ गया? अब विषय है दर्शन कैसे करें। अच्छी बात बता रहा हूं ना, किसी ने बताई? उनको तो ये पता है 1100 रुपए दान करो, 2100 दान करो, 5100 दान करो, और हैं अष्टोत्तर में 11000 21000 दे के पोथी पाठ कराओ, एकादशी उद्यापन कराओ, हैं 31000 में हम कर देते हैं, हैं 21000 में गाय दान कर देते हैं, आजकल तो कर देती ना, करा के आए। देखो ऐसे जो धर्म के नाम पर कथाकार संत कोई, आप कॉमन सेंस यूज करें, साइंस है ना हमारे पास, किस किस के पास है समझ, सच बताओ। देखो एक गाय, ग्रंथ में लिखा हुआ है, देखो आप लोग गलत करें मुझे कोई शिकवा नहीं, पर जो कथाकार ये संत है ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इनसे मुझे शिकायत है। 21000 में करें गोदान, क्या लिख रहे हैं वो? ऐसे धूर्तों से आप बचो, 21000 में तो बकरियां नहीं आ रही। अब बोलो बकरी आ जाएगी? बढ़िया बकरी लेने जाओगे तो महंगी, क्या सच बताओ 21000 में गाय आ जाएगी, 11000 में आ जाएगी? बोलो ऐसे धंधे खो रहे जिनको धर्म को धोखा देना है, धर्म को बदनाम करना है और धंधा करना है। अब वो लोग क्या करते हैं, देखो आपसे 21000 रुपए लिया, सीधी गौशाला से संपर्क करते हैं, गौशालाओं में ठेकेदार बैठे हैं, अब मालिक तो 24 घंटे रहते नहीं, ग्वारिया रहते हैं, उनको देते हैं 1100 रुपए, 1100 रुपए की रसीद कटवाते हैं, वहीं से गाय लेते हैं। ग्वारिया को 1100 मिल गए, गौशाला वालों को 1100 मिल गए, उनकी गाय आई ने तिलक लगवाया, पूजन किया और महाराज जी गए कुर्सी पे बैठे होंगे, है ना? ऐसे बोलो, ऐसे देना, पकड़ो, चलो कुछ नहीं, समझ रहे हैं? 21000 ले लिए होंगे। अब यजमान जी ने कहा यार मेरा तो 31-41 में काम हो रहा है, 21 में हो गया। ध्यान से सुनो, लोभ वश लालच वश, दान का भी मैं थोड़ा चैप्टर बता दूं, लोभ वश कभी दान न करें और लालच वश कभी कोई दान न करें। लोभ वश आप कर रहे हैं और लालच वश वो करा रहे हैं, दोनों कहां जाएंगे? वो बैतरणी में पार होंगे कि नहीं तो गारंटी है या नहीं, तो गौशाला वाले गैया को जाने नहीं देंगे, बिल्ला लगाए ना उस गैया के, समझ रहे? वो गिनी हुई गैया है वहां, अब गैया जाएगी नहीं, क्या होगा? कोई ज्यादा जल्दी थी रे,
ज्यादा परेशानी है, संकट में है। प्रेम से कहिए श्री राधे।